है एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न। बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न एक टू काइंडेड पैटर्न है जो ट्रेन के टॉप एंड पे दिखता है, जिससे एक बियरिश पैटर्न बनता है। थॉट प्रोसेस बुलिश सिंगुलफिंग पैटर्न का जैसा ही होता है, बजाय एक चीज के यहाँ शॉर्टिंग के नजरिए से देखना है। एक बार इस चार्ट को देखिए, जो दो कैंडल बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न बन रहे हैं वो सर्कल में है। आपको पता चल जाएगा शुरू में बुल्स पूरी तरह से कीमतों को अधिक धक्का देने वाले नियंत्रण में है। P1 के दिन जैसे उम्मीद किए थे, मार्केट ऊपर जाता है और एक नया हाई बनाता है, जिससे मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है दोबारा कंफर्मेशन मिलता है। P2 के दिन उम्मीद अनुसार मार्केट ऊपर खुलता है और एक नया हाई बनाता है। हालांकि हाई पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है या अनएक्सपेक्टेड सेलिंग होता है, और इसलिए बुल्स को डिस्प्लेस करने का प्रयास करता है। P2 के दिन स्ट्रांग सेल इंडिकेट करता है कि शायद बियर्स ने बुल्स के गट को तोड़ दिया है और शायद अगले कुछ दिनों तक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। कीमतों में अपेक्षित डाउन ट्रेंड स्लाइड पर पूंजीकरण करने के लिए इंडेक्स या स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न का ट्रेड सेटअप कुछ इस प्रकार होगा। एक शॉर्ट ट्रेड बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न सजेस्ट करता है। रिस्क लेने वाला ट्रेड सेम डे ही लेगा, दो कंडीशन पक्का करने के बाद, जो कि P2 का ओपन P1 के क्लोज से ऊपर होना चाहिए और करेंट मार्केट प्राइस 3:20 PM में P2 का P1 के ओपन प्राइस से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो यह एक लॉजिक होगा जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यह एक बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न है। रिस्क नहीं लेने वाला P2 का अगले दिन ट्रेड लेगा, यह पक्का करने के बाद ही कि दिन एक रेड कैंडल बना है। चूंकि बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न एक टू डे पैटर्न है, यह एक रिस्क लेने वाले के लिए सुटेबल है। हालांकि यह पूरी तरह से एक व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है उस पर निर्भर करता है। बियरी सिंगुलफिंग एग्जाम्पल, यहाँ एक बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न का ट्रेड एग्जाम्पल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है। रिस्क लेने वाले के लिए पैटर्न P2 के क्लोज प्राइस पर एक शॉर्ट ट्रेड का संकेत देता है, यानी 306 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह बहुत अच्छी तरह से काम किया है। रिस्क नहीं लेने वाला अगले दिन ट्रेड लिया होगा, यह पक्का करने के बाद कि दिन में एक रेड कैंडल बना है। स्पष्ट रूप से रिस्क नहीं लेने वाले के लिए भी ट्रेड काम किया है। प्रेजेंस ऑफ ए डोजी, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। ऐसा चार्ट जो दिखाया गया है हाईली प्रॉफिटेबल है। किसी को ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार चार्ट को देखिए, आपको क्या ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक ऑब्वियस अपट्रेंड जैसे कि हाईलाइट किया गया है, एक बियरी सिंगुलफिंग पैटर्न राइट अपवर्ड रैली के टॉप इंड पे, P2 के बाद के दिन में एक डोजी बनना। इस चार्ट में एक डोजी का क्या इम्प्लीकेशन होगा, आपको क्या लगता है? चार्ट में हम लोग निम्नलिखित अनुमान लगा सकते हैं। चार्ट में एक लंबे समय तक अपट्रेंड कन्फर्म करता है कि बुल्स निरपेक्ष नियंत्रण में है। P1 पे एक ग्रीन कैंडल बनता है जो मार्केट में बुल्स के प्रभुत्व को फिर से संगठित करता है। P2 पर मार्केट हायर खुलता है और एक नया हाई बनाता है, बुल्स को संतावना देता है। हालांकि हाई पॉइंट पे एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है और ऐसा सेलिंग स्टार्ट होता है कि प्राइस P1 के ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज होता है। इस ट्रेडिंग एक्शन में P2 से बुल्स को थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो अभी तक हिले नहीं है। तीसरे दिन इसे हम लोग P3 कहेंगे। हालांकि ओपनिंग कमजोर है, यह P2 के क्लोज के तुलना में बहुत नीचे नहीं है। यह बुल्स के लिए ज्यादा कंफर्टिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मार्केट मजबूत होंगे। P3 के दौरान मार्केट कोशिश करता है ऊपर जाने के लिए, डोजी के ऊपर साइड से पता चलता है। हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं होता, यहां तक नीचे भी सस्टेन नहीं होता और आखिरकार दिन के क्लोज होने तक एक डोजी बन जाता है। जैसे कि आप याद कर सकते हैं, डोजी मार्केट में इनडिसीजन का इंडिकेट करता है। P2 पर बुल्स घबराया और P3 पर बुल्स अनिश्चित है। अनिश्चितता के साथ आतंक एक तबाही का सही नुस्खा है, जो डोजी के बाद एक लंबा रेड कैंडल व्याख्या करता है। मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी कोई डोजी एक पहचानने योग्य कैंडलस्टिक को फॉलो करता है तो बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। इस पॉइंट को चित्रित करने के अलावा मैं आपका ध्यान चार्ट विश्लेषण पत्ती पर भी आकर्षित करना चाहता हूं। इस विशेष चार्ट में ध्यान दें, हमने केवल P1 या P2 पर क्या हो रहा है उसे नहीं देखा, हम लोग उससे आगे निकल गए और वास्तव में बाजार में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दो अलग अलग पैटर्न को मिला दिया।
अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पियर्सिंग पैटर्न सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।